साथियों, एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं। एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है। ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है, और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ। कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी दूर होगी। कांग्रेस हटाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में घोटाले और भ्रष्टाचार से भारत मुक्त हो पाएगा। भाइयों और बहनों, इस बार आपका एक एक वोट महायुति के समर्थन के साथ ही कांग्रेस और उसके साथियों को सजा देने के लिए भी होना चाहिए। याद रखिएगा, ये भारत को लूटते रहे हैं, महाराष्ट्र को लूटते रहे हैं, ये लोग गरीब किसानों के दुश्मन है, महाराष्ट्र की जनता के दुश्मन है। हर देशवासी की आकांक्षा उनके लिए आंख में खटकती है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने जिस तरह तुगलक रोड चुनावी घोटाला किया है, वो देश देख रहा है, हमारे नौजवान वोटर देख रहे हैं। मालूम है ना तुगलक रोड चुनावी घोटाला? नहीं है ना मालूम? ऐसी बातें अखबार में जरा कम आती है, लेकिन टीवी पर आपने नोटों के बंडल देखे होंगे। तुगलक रोड ये दिल्ली के अंदर एक रोड है, उस पर एक बड़ा शानदार बंगला है, उसमें एक नेताजी रहते हैं, और वहां कैसे कैसे खेल खेले गए उसका कच्चा चिट्ठा निकल करके बाहर आए। और क्या है, मध्य प्रदेश से बोरे बोरे भर करके रुपये वहां आए, और जो पैसा गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था, वो पैसा लूटकर कांग्रेस चुनाव में लगा रही है। ऐसे भ्रष्टाचार को माफ करेंगे क्या? भ्रष्टाचार को सहन करेंगे? अभी तो मध्य प्रदेश की सरकार अभी अभी बनी है, और इतने दिनों में उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ से जमा करना शुरू कर दिया, उनकी आदत जाती ही नहीं है। दिल्ली के तुगलक रोड में बोरा भर भर के मिल रही नोटों की गड्डियां कांग्रेस की असली पहचान है। भाइयों बहनों, ये चौकीदार चौकन्ना है, ये चौकीदार ईमानदार है, और तभी तो इन चोरों को पकड़ पाया।